सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने मूवी टिकट बुक किया हुआ है बुक माई शो मोबाइल एप्लीकेशन से और उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं और आपको कितना रिफंड मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक माई शो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और जो भी मेरी बुकिंग होगी वो यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पर दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी बुकिंग है, या फिर आप प्रोफाइल पर जाइएगा तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर बुकिंग दिख जाएगा, या परचेज हिस्ट्री पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी बुकिंग है। अब मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कैंसिल बुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल बुकिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि जो भी टिकट है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन एंड रिफंड टर्म्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यू कैन कैंसिल द बुकिंग अप टू 4 आवर्स बिफोर शो टाइम। जो भी आपका शो टाइम है, जैसे कि आपका है 9 बजे का, ठीक है, 9 PM पर, तो उसके 4 घंटे पहले तक आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 9 बजे का है आपका, तो आप 5 बजे के पहले टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 घंटे पहले। तो और कैंसिलेशन पॉलिसी पर भी आप देख लीजिएगा, जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी है उसको देख लीजिएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि 30 दिन में आप मैक्सिमम 3 बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने जो बुक किया हुआ है उसमें आपने इंटरनेट हैंडलिंग फ़ीस दिया हुआ है, बुक के स्माइल अमाउंट दिया हुआ है, या पेमेंट गेटवे चार्जेस दिया हुआ है, वो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 30% जो पेज टिकट है, जैसे कि 100 रुपये का टिकट है तो उसमें 30 रुपये आपको मतलब कट जाएगा कैंसिलेशन टिकट, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये है तो 30 रुपये कट जाएगा, 200 का है तो 60 रुपये कट जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर और भी कैंसिलेशन रूल दिया हुआ है तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा कैंसिलेशन का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो पे किया हुआ है 120 रुपीज़ 6 पैसा पे किया हुआ है, तो रिफ़ंड कितना मिलेगा, 70 रुपये मिलेगा। अब क्या क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कन्वीनियंस फ़ी है 20 रुपये, वो मुझे नहीं मिलेगा। जो कन्वीनियंस फ़ी होती है वो रुपये नहीं मिलेगा, तो 20 रुपये ये कट जाएगा। प्लस का जो कैंसिलेशन फ़ीस है वो मतलब क्या है, तो 30% कटता है, ठीक है। 4 घंटे के पहले अगर हम कैंसिल करते हैं 30% कटता है, तो 30 रुपये वो कट जाएगा क्योंकि 100 रुपये का टिकट था। तो टोटल अब मुझे यहाँ पर 50 रुपये के लगभग कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा 70 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको रिफ़ंड है वो कैसे चाहिए, रिफ़ंड टू BMS कैश मतलब बुक माई शो कैश चाहिए, या फिर रिफ़ंड टू ओरिजिनल पेमेंट मोड जो कि आपने ओरिजिनल पेमेंट किया हुआ था, जैसे कि आप किसी भी डेबिट कार्ड से होता, क्रेडिट कार्ड से होता, UPI से पेमेंट किया होगा, वहाँ पर चाहिए, या BMS कैश चाहिए। अगर आपको BMS कैश चाहिए तो आपका तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में बुकिंग करने के लिए। और आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं BMS कैश ही कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ गेट रिफंड, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिख के आ रहा है कि योर बुकिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, और हमारा जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो 70 रुपये है वो हमारा आ चुका है, रिफंड प्रोसेस सक्सेसफुली डन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कैंसिल क्लिक कर दिया है, अब हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कैंसिलेशन जो रिफ़ंड आया है 70 रुपये, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं कि ये दिया हुआ, और यहाँ पर मेल भी दिया आ गया है कि जो आपका बुक मैसेज का रिफ़ंड है वो आ चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल पर जाना है और आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अकाउंट सेटिंग पर, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आपका जो दिया हुआ पेमेंट मोड, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 70 रुपये है वो BMS कैश आ चुका है। इसको आप यूज कर सकते हैं नेट मूवी बुकिंग करने में, नेक्स्ट मूवी बुकिंग करने में। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी BMS टिकट को कैंसिल कर सकते हैं बुक माई शो से, जो भी मूवी टिकट है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।